बैलून क्यों फटा? गिलास का पानी क्यों नहीं गिरा? इसका उत्तर मिलना कठिन नहीं है। आइए एक बार फिर देखें। जल गिलास से नीचे नहीं गिरता क्योंकि वायु कागज पर दबाव आरोपित कर रही है। कागज पर वायु द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया दाब जल द्वारा कागज पर नीचे की दिशा में लगाए गए दाब संतुलित करता है। इस प्रयोग में गिलास में पानी कुछ कम है। इसका अर्थ है कि कागज और पानी के बीच के स्थान में भी कुछ वायु है जो नीचे को कागज पर दाब डालती है और कागज को स्थान से हटा देती है और पानी गिर जाता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि वायु दबाव डालती है अथवा वायु उस चीज पर दाब डालती है जिस पर वह टिकी है। हर वस्तु जिसमें भार होता है दूसरी वस्तुओं को धकेलती है अथवा उनको दबाती है। इसी प्रकार वायु पृथ्वी को नीचे की ओर दबाकर उस पर दाब उत्पन्न करती है। पृथ्वी पर वायु का दबाव या नीचे की ओर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सोचिए और यह स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए कि वायुमंडलीय दाब किस प्रकार इन वस्तुओं की कार्य प्रणाली में सहायक होता है। जब वायु को स्ट्रॉ में से खींचा जाता है जिसे एक तरल पदार्थ में डाला गया है तो स्ट्रॉ में कम दाब बन जाता है। वायुमंडलीय दाब बाहरी तरल पदार्थ को नीचे की दिशा में दबाता है जो उसे स्ट्रॉ में ऊपर धकेल देता है। इसी प्रकार जब ड्रॉपर के रबर को दबाया जाता है तो उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है और वहां कम दाब बन जाता है। जब रबर को छोड़ा जाता है तो स्याही पर पड़ रहा वायुमंडलीय दाब उसे धकेलता है और स्याही ड्रॉपर में आ जाती है। जैसे जैसे हम सागर तट जैसे नीचे क्षेत्रों से पहाड़ों जैसे ऊपरी क्षेत्रों में जाते हैं वायु विरलित होता जाता है अर्थात उसका भार कम होता जाता है। इस प्रकार ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। प्रायः अधिक ऊंचाई पर लोगों की नाक से खून बहने लगता है। इसका कारण है कि उनके शरीर का रक्तचाप बाहर के दाब से काफी अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार सागर तट पर 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के स्तंभ द्वारा आरोपित दाब सामान्य अथवा मानक दाब होता है। यह ऐसे दर्शाया जा सकता है, सामान्य दाब बराबर है HDG, जहां H बराबर है पारे की ऊंचाई बराबर है 76 सेंटीमीटर पारा अथवा 0.76 मीटर। डी बराबर है पारे का घनत्व बराबर है 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी बराबर है गुरुत्वीय त्वरण बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के स्तंभ द्वारा आरोपित दाब बराबर है 1.014 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
मौसम विज्ञान में उपयोग होने वाले दाब के मात्रक को एक बार कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक टॉर होता है, जहां एक टॉर बराबर है एक मिलीमीटर पारा। इसीलिए एक वायुमंडल बराबर है 760 टॉर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को वायु दाब मापी अथवा बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब मापी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सरल टॉर्सेले, फोर्टेन, निर्द्रव या एनिरॉइड। यह एनिरॉइड बैरोमीटर है, जिसका आकार घड़ी की तरह का है और इसमें लगी सुई वायुमंडलीय दाब बताती है। इसकी स्केल संकेतिक है बारिश, तूफान, कम दबाव आदि की परिस्थितियों की। यह बहुत हल्का होता है। एनिरॉइड बैरोमीटर के लेखाचित्र में बी सील किया हुआ नालीदार धातु की पतली चादर का आंशिक निर्वातित बॉक्स है। वायुदाब बढ़ने पर यह बॉक्स नीचे की ओर दबकर सिकुड़ता है तथा वायुमंडलीय दाब के घटने पर ऊपर की ओर फैलता है। एल एक उत्तोलक है जो बॉक्स के उतार चढ़ाव को आवर्धित करता है। संकेतक पी से जुड़ी कमानी को उत्तोलक खींचता है, जिससे संकेतक वृत्ताकार पैमाना एस पर घूमता है। फोर्टेन बैरोमीटर में एक मीटर लंबी और एक वर्ग सेंटीमीटर आकार की शीशे की नली होती है, जिसे पारे से भरे एक बर्तन में उल्टा रखा जाता है। पारे की सतह को बर्तन में एक वेंच की सहायता से कम या अधिक किया जा सकता है। दाब मापने के लिए पारे की सतह को इस आइवरी के बिंदु को छूना चाहिए। ऊपर लगे मापी अथवा वर्नियर की सहायता से दाब मापा जाता है। क्योंकि यह बैरोमीटर आकार में बड़ा होता है, इसका इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में या मौसम विभाग के कार्यालय में ही किया जाता है। पृथ्वी पर स्थायी दाब कटिबंध होते हैं, जो भूमध्य रेखा के निकट बहुत उच्च ताप तथा ध्रुवों के निकट कम ताप होने के कारण होते हैं। समस्त भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र पर उच्च ताप के कारण निम्न दाब के कटिबंध और ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों में निम्न ताप के कारण उच्च दाब के कटिबंधों के कारण पवने चलती हैं। इन्हें स्थायी पवने कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन व रात के तापमानों में परिवर्तन होने से वायुमंडलीय दाब में अंतर आ जाता है। इसके कारण दिन के समय समुद्र समीर और रात के समय थल समीर उत्पन्न होते हैं। कदाचित आपने मद्रास, अंडमान द्वीप, उड़ीसा आदि स्थानों पर आने वाले चक्रवातों के विषय में सुना अथवा पढ़ा होगा। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात वायु राशि की एक ऐसी अंडाकार व्यवस्था है, जिसके केंद्र की ओर जाने पर वायु दाब कम होता है। चक्रवात के समय सभी दिशाओं से तीव्र पवने गति करती हुई निम्न दाब के केंद्रों की ओर बहती हैं। प्रायः चक्रवात के पश्चात भारी वर्षा भी होती है। इसी प्रकार टॉर्नाडो एक अत्यंत भयंकर भंवरदार अंधड़ होता है, जिसकी चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। यह अत्यधिक काले बादलों से बनता है। अचानक काले बादलों से लंबी फनल जैसी आकृति की भंवर खाती हुई वायु की रेखा सी फैलने लगती है। इसका प्रभाव अत्यधिक विध्वंसकारी होता है। संक्षेप में दोहराने के लिए आपने इस कार्यक्रम में सीखा है कि पृथ्वी पर वायु का दबाव
या नीचे की ओर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार या टॉर है। दाब के अंतर के कारण पवने चलती हैं, वर्षा होती है, चक्रवात वे टॉर्नाडो आते हैं। अब आपके लिए एक साधारण प्रश्न, पवन कैसे चलती है? प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो मित्रों हम पढ़े और जागे मंजिल आने की ध्वनि सुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने जी।
घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। What made the balloons burst? Why is the water not falling from the glass? The answer to these questions may not be difficult to seek. Let us see the second experiment again. The water in the glass stays because the air is exerting pressure upward on the cardboard. The pressure of air against the cardboard is greater than the pressure of water on the cardboard. In this experiment, glass is not fully filled with water. This means that some air is in on the other side of the cardboard too, which exerts downward pressure on the cardboard and displaces it. This makes water spill. So, in simple words, we can say that air exerts pressure.
Anything that has weight pushes or puts pressure on the body on which it rests. Likewise, the air surrounding the surface of the earth presses down on the earth's surface. This creates a pressure on it. This pressure or downward force per unit area exerted by air is called atmospheric pressure. You can think and explain how atmospheric pressure helps in the working of these everyday life things. When air is sucked from the straw, dipped in a liquid, a low pressure is created within the straw. Now the atmospheric pressure outside presses the liquid downward, which in turn gets pushed up the straw. In the same way, when the rubber of a dropper is pressed, air inside blows out, thereby creating a low pressure. When the rubber is released, the atmospheric pressure on the ink pushes it, and the ink rises up in the dropper. As we go up from sea level to higher places like mountains, air becomes thinner and thinner. That is, its weight becomes less. Thus, the atmospheric pressure decreases with altitude. Often at higher altitudes, people find their nose bleeding because blood pressure is more than the atmospheric pressure outside. By international agreement, the normal or standard atmospheric pressure is the pressure exerted by 76 centimeter of mercury column at sea level. It can be shown that normal pressure equal to HDG, where H is height of mercury, equal to 76 centimeter or 0.76 meter, D is the density of mercury, equal to 13.6 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube, G the acceleration due to gravity, equal to 9.8 meter per second square, which varies from place to place. Therefore, the pressure exerted by a column of 76 centimeter high mercury is equal to 1.014 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. The unit of pressure used in metrology is known as 1 bar. Another unit is known as torr, where 1 torr is equal to 1 millimeter of mercury. Therefore, 1 atmosphere is equal to 760 torr. The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. There are different types of barometers: simple torricelles, 14s, and aneroid. This is aneroid barometer, which has a shape of a watch, and needle indicates the atmospheric pressure. The scale is calibrated in terms of rain, storm, low pressure, etc. It is very light and handy. In the diagram of aneroid barometer, B is a sealed metal box of corrugated sheet which has partial vacuum. Increase in pressure causes the top to cave in, while decrease allows it to expand. L is a lever which magnifies the movement of the metal box. C is a chain wrapped round the spindle of the pointer, which is pulled by a lever.
This moves the pointer over the scale S. The 14th barometer, which consists of a 1 meter long tube of cross-sectional area 1 centimeter square, is filled with mercury and inverted into a cistern. The level of mercury in the cistern can be raised or lowered by means of this screw. To read the reading, the mercury level should be made to touch the ivory point. The reading is then taken at the top with the help of a vernier. Being large in size and heavy, this is used mainly in labs and metrological department. There are permanent pressure belts on the Earth's surface due to high temperatures near the equator and very low temperature near the poles. Low pressure belt all along the equator because of high temperature and high pressure belt near the poles because of low temperature. This causes winds. These are known as permanent winds. You have heard the word trade winds, westerlies, and polar winds in the weather forecast bulletins. These are all permanent winds. Variation of temperature during day and night in the coastal areas create atmospheric pressure differences. This gives rise to a sea breeze during the daytime and land breeze during night. Often you hear about cyclones hitting coastal areas like Madras, Orissa, Andaman Islands, Vizag, etc. What is a cyclone? A cyclone is an in-blowing, whirling mass of air with low pressure at its middle. During cyclone, strong winds blow in a spiral motion towards the low pressure center. This is generally accompanied by heavy rain. A tornado, likewise, is violent, twisting windstorm with speed of over 300 km per hour. It generally forms from heavy black cloud. Suddenly, a streak of whirling air stretches from the cloud in the shape of a long funnel, rising huge dust clouds. It has very destructive effects. To recap, in this program we have learned that air presses down on Earth's surface, creating a pressure on it, which is known as atmospheric pressure. The unit of measuring atmospheric pressure is bar or torr. The difference in the pressure causes wind, rain, cyclones, and tornadoes. So now here is a question for you. What causes wind movement?